तेजरन का ब्रेकअप हो गया है। आखिरकार क्यों तेजरन फैंस जो है परेशान है और क्या आ रही है ऐसी खबर, मैं हिना कुमावत आपको टीवी विंडो पर बताऊंगी। तो तेजरन का क्या वाकई में ब्रेकअप हो चुका है? क्या आप तेजरन एक साथ नहीं है? ऐसी क्या बात हो गई है कि करण कुंद्रा का एक ट्वीट जो है तेजरन फैंस को परेशान कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ना सिर्फ करण बल्कि अब तेजस्वी की हाल ही में दिए गए इंटरव्यू की कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर फैंस परेशान हो रहे हैं। अब करण ने एक ट्वीट किया रात को जहां पे वो लिखते हैं, ना तेरी शान कम होती ना रुतबा घटा होता, जो घमंड में कहा वही हंस के कहा होता। तो अब इसका उनका इशारा किस बात की ओर है? हालांकि इस पे कोई भी क्लियर उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन अब तेजस्वी का एक इंटरव्यू है और इस इंटरव्यू में किस तरीके से लड़के लड़की को लेकर जो डिफरेंसेस होते हैं, क्या करण से परमिशन लेनी पड़ती है और तेजस्वी ये बताती हैं कि मैं एक फैमिली ओरिएंटेड लड़की हूं, मैं कभी भी कोई भी डिसीजन लेती हूं तो मैं घर वालों को ध्यान में रख कर लेती हूं, तो अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजन हम ले लेते हैं। पर वो कहती है कि मैंने अपनी मिस्टेक से लर्न किया है, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी और चाहे करण हो मैंने फैमिली को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए हैं। तो अब लोगों का ये कहना है कि इन दोनों के बीच में शायद कुछ चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही हैं और इसीलिए ये चीजें सामने आई जहां पर तेजस्वी खुलकर ये बातें करती नजर आ रही हैं। तो इस इंटरव्यू की क्लिप्स भी जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। फैंस का कहना है कि इन लोगों को ट्विटर या इंटरव्यू की जगह एक दूसरे से बात करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना चाहिए। तो कईयों का कहना है कि यहां पर तेजस्वी कहीं पर भी करण पर इल्जाम नहीं लगा रही, वो यही तो कह रही है कि हाँ मैंने अपनी मिस्टेक से सीखा है और करण से कभी परमिशन नहीं लेनी पड़ी, लेकिन हाँ मैं अपने डिसीजन जब लेती हूँ तो ना सिर्फ करण बल्कि फैमिली को ध्यान में रखकर लेती हूँ और बाद में मुझे रियलाइज होता है कि कुछ चीजें गलत मैंने डिसीजन ले लिया। वहां पे ये भी कहती है कि वैसे ही फीमेल के लिए चीजें काफी टफ होती हैं और ऐसे अगर हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इन चीजों को ध्यान में रखकर डिसीजन ले तो और भी टफर चीजें हो जाती हैं। तो अब लोग इस बात को इससे जोड़कर देख रहे हैं कि तेजस्वी ने ये जो बात कही वो करण के कॉन्टेक्स्ट में थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये दोनों काफी ज्यादा ओपिनियन रखते हैं, ओपिनियेटेड जिसे कहा जाता है, ये हमने बिग बॉस में भी देखा था। इनके आपस में जो डिफरेंसेस हैं ओपिनियन को लेकर तब भी होते थे, पर इसके बावजूद ये दोनों 2 साल से एक साथ हैं और ये दोनों एक दूसरे के ओपिनियंस के रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल शायरी हो सकती है, क्योंकि कुछ फैंस ये लिख भी रहे हैं कि ये एक शायरी है, इसको किसी भी चीज से जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन कुछ का ये दावा है कि शायद ये तेजस्वी और करण जो है एक दूसरे से ब्रेकअप कर रहे हैं और जिस तरीके से ये एक दूसरे से संतुष्ट नहीं नजर आ रहे उसकी वजह से इन दोनों ने ये चीजें सोशल मीडिया पर शेयर की। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं।